27 वर्षीय महिला शिक्षक जो कि 13 वर्षीय छात्र के साथ समलैंगिक यौन संबंध थे 3 साल के लिए जेल में हैं। पूर्व ओहियो के खेल के कोच ब्रुक रोसेंडेल ने पीड़िता के परिवार के समक्ष अदालत में माफी मांगी। एक 13 वर्षीय छात्र के साथ समलैंगिक यौन संबंध रखने वाले एक प्रशिक्षित शिक्षक को 3 साल तक जेल भेज दिया गया है। युवा पीड़ित और उसके परिवार ने ओहियो के शिक्षक ब्रुक रोसेंडेल 27 को यौन संबंध के एक नंबर के लिए सजा सुनाई थी। लड़कियां की वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोच ने पीड़ित को अन्य विद्यालय कार्यक्रमों से जान लिया और पिछले साल 4 जनवरी से 3 फरवरी के बीच विद्यालय मैदान से अवैध संबंध का आयोजन किया। जांच की कुछ हफ्तों बाद शुरू हुआ जब लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी के अनुचित रिश्ते की हवा दी, टोलेडोब्लेट की सूचना दी। न्यायाधीश रेगेन रॉडसन ने उसे बताया, आपने एक पंक्ति में कदम रखा, एक निषेध जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों और छात्रों के बीच कोई संबंध नहीं हो सकते हैं और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास को धोखा दिया है। रोसेंडेल ने छात्र के माता पिता से खेद व्यक्त करते हुए कहा, मैं परिवार से माफी चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई और मैं माफी चाहता हूँ। मार्च 2017 में खुलासा होने के तुरंत बाद पूर्व खेल कोच ने 5वीं कक्षा के हस्तक्षेप विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया। असिस्टेंट हैंकॉक काउंटी अभियोजक लोरा मानन के मुताबिक उन्होंने स्वयं से शैक्षणिक प्रमाण पत्र आत्मसमर्पण कर लिया है। रोसेंडेल के वकील पीटर हालेट ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी और पश्चाताप व्यक्त किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह जुलाई 2016 में उसके साथी के साथ यौन जांच शुरू होने के कुछ ही महीने पहले लगी हुई थी। फाइनल कुरियर ने बताया कि रोसेंडेल ने अभियोजकों के साथ एक सौदे कट दिया और 26 जनवरी को एक भी आरोप के लिए दोषी ठहराया जब 2 और इसी तरह के आरोप रोक दिए गए थे। अगर उसे मूल 3 आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था तो वह 15 साल तक जेल हो सकती थी। रोसेंडेल को अब एक टियर 3 सेक्स ऑफेंस के रूप में पंजीकरण करना होगा और अपने पूर्व छात्र के परिवार को $225 £162 का भुगतान करना होगा।